हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल इंग्लैंड लेजेंड और श्रीलंका लेजेंड और उससे पहले इंडियन लेजेंड और साउथ अफ्रीका लेजेंड, इन दोनों मैचों को मैं कवर करूंगा। परंतु कल जो दिलशान ने इंग्लैंड लेजेंड की धजियाँ उड़ाई है, उनकी क्या बैंड बजाई उसने, अकेले ही पूरी टीम उधेड़ के रख दी। भाई मैं वही सोच रहा हूँ, ये वही लेजेंड है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी और कम से कम 160-170 तक इन्होंने रन बना दिए। तो भाई बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ भाई क्या कर दिया ये श्रीलंका ने। दिलशान ने पहली बार विकेट ले जाओ, तो जितने भी विकेट लिए हैं वो बोल्ड करके लिए हैं भाई। और इंग्लैंड के बैट्समैन को स्पिन समझ ही नहीं आती कि स्पिन क्या है। और जो उनके कैप्टन है केन पीटरसन, 4 रन पर आउट हो रहे हैं भाई। कहाँ गई आपकी कैप्टनसी। और श्रीलंका में ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया किसने, दिलशान ने ही। और बहुत ही विकेट भी लिए, प्लस में हाईएस्ट रन भी बनाए और बैकफुट पर ला दिया इंग्लैंड को। और जो ये वर्ल्ड रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ चल रही है, इसमें बाहर कर दिया किसको, इंग्लैंड को। और बहुत ही कम चांसेस हैं उनके, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच और जो अभी इंग्लैंड है, इन तीनों में से सिर्फ 2 टीमें जाएंगी। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ इसमें अपनी जगह बनाएंगे। और बहुत मुश्किल लग रहा है किसका, इंग्लैंड का, क्योंकि जितनी बुरी तरीके से हारे हैं उनकी जो नेट रन रेट है बहुत ही कम है, माइनस में आ चुकी है। और बहुत ही बैकफुट पर इंग्लैंड लेजेंड आ चुके हैं। अब उसके अलावा बात करें तो भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच था, भाई यूवी और सचिन पाजी ने क्या बैटिंग करी है, बहुत ही लाजवाब भाई। 2007 वाला यूवी वापस आ गए एक टाइम पे, तो ऐसा लगा, हालांकि ऐसा हो ही गया था। लगातार 4 छक्के, मायने रखिए 22 बॉल में 52 रन बनाए थे। और पूरे की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम शॉक्ड हो गई थी कि यहाँ पर ये युवराज के अंदर कौन सी मात आ गई है। और युवराज सिंह ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, 22 बॉल में 52 रन बनाए और सचिन ने 35 बॉल में 60 करीब रन बनाए, तो भाई बहुत ही बेहतरीन इनिंग देखने को मिली। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही इंटरेस्ट बनाए रखें और आप बताइए कि इसमें कौन कौन टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और बहुत ही बढ़िया आने वाले मैचों में होने वाला है। तो भाई ये जो सीरीज़ थी और इंडिया साउथ अफ्रीका मैच था, बहुत ही पूरा स्टेडियम पैक था, एक सीट भी इसके अंदर खाली नहीं थी। तो भाई आप इमेजिन लगा सकते हो कि लोगों के अंदर कितना जज्बा है हमारे लेजेंड्स को खेलते हुए देखने का। और इंडिया की बॉलिंग में आपके यूसुफ पठान ने 3 विकेट निकाले थे और इरफान पठान ने भी हालांकि एक आधा विकेट निकालता, परंतु जो बाकी गेंदबाज सब ने अच्छी बॉलिंग करी और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया। 50 रन के करीब उनको हरा दिया और बैकफुट पर आगे साउथ अफ्रीकन टीम भी। तो भाई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ वो भी बहुत ही शानदार चल रही है और उसमें यूवी और सचिन बहुत ही बेहतरीन रहे। और श्रीलंका की तरफ से दिलशान ने अकेले ही पूरा मैच सुपड़ा साफ कर दिया इंग्लैंड लेजेंड का। तो भाई मेरे हिसाब से जो फाइनल होने के आसार हैं वो इंडिया वर्सेज श्रीलंका के हैं। तो आप बताइए कि आपको इन दोनों मैचों में से बेस्ट कौन सा लगा और सबसे बेस्ट मोमेंट इनमें से क्या लगा, युवराज के 4 छक्के, दिलशान के 4 विकेट 6 रन देकर। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ।